देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल। श्याम के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं एक आस करके आया। सुदामा ने आवाज लगाई, आई द्वार पालो, हटा पीछे। द्वारपालों से कहा है सुदामा ने, भैया हमें एक बार अंदर चले जाने दो, एक बार हमें द्वारकाधीश से मिलना है, हम उनके मित्र हैं। द्वारपाल कहने लगे ऐसे मित्र होते हैं? अरे पीछे। सुदामा बोले, भैया अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है, मिलने सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से, कहां से तुम्हारी महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुदामा ने दोनों हाथ जोड़े और कहा, भैया हमारा नाम सुदामा है, द्वारकाधीश को बता दो। तुम्हें को बाल मोहन से जा कर के कह दो, तुम्हें को बाल मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया, नसीब आ गया। दोनों हाथ जब सुदामा लीजिए ने जोड़े और कहा, भैया अगर आप हमें अंदर ना जाने दो तो कोई बात नहीं, कम से कम हमारी खबर ही कर दीजिए द्वारकाधीश को, बता दीजिए हम उनके मित्र हैं, हमारा नाम सुदामा है। एक द्वारपाल दूसरे द्वारपाल से बोला, छोड़ यार, अरे हमें तुम्हें क्या लेना है, अरे जब ये द्वारकाधीश से मिलने आया है तो हमें तुम्हें क्या है, कोई मिलने आए। एक काम करो, तुम इसको यही रोक के रखो और हम जाकर के द्वारकाधीश को खबर करते हैं, ठीक है। एक द्वारपाल सुदामा जी को रोके खड़ा है, दूसरा द्वारपाल द्वारकाधीश को महल में जाकर की खबर करता है। नींद ना छुटी है बेका। सुदामा कहने लगे, भैया नेक अंदर जाने दो, नेक नेक नहीं नहीं अंदर नहीं जाओगे, इधर। द्वारपाल जब गया है महल में, उसने जाकर के द्वारकाधीश को खबर की है और कहा है, प्रभु
बाहर एक भिखारी जैसा आदमी खड़ा है, वो ये कहता है हम द्वारिकाधीश के मित्र हैं। सुदामा नाम बता रहा है, जो इतने शब्द भगवान कन्हैया ने सुने, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ हटो, सुदामा कहने लगे भैया ये आदमी हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हाँ, ये हमें अंदर नहीं जाने दे रहे थे। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान रुक्मणी ने देखा, सोचने लगी बारे प्रभु जाने कहां कहां से भिखारी जैसी आदमी आ जाते हैं और द्वारिका धीसू जो गले से लगा लेते हैं। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी हटो पीछे, भैया तुम्हें नहीं मालूम ये बनबन की लकड़ियां हैं, ये तुम्हें और हमें क्या जाने है? हाँ अब वो पास में नहीं आएंगी। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम हमारे मित्र हो भैया, जे जे का जाने मित्रता, आओ भैया तुम खड़े कैसे हो, बैठो। भगवान कन्हैया कहने लगे रुक्मणी अनिल, भगवान कन्हैया ने सुदामा को अपने आसन पर बिठा दिया, रुक्मणी से कहा है अरे अनमोल द्विवेदी फोटो खिंचवाए, कोई बात नहीं। भगवान कन्हैया ने अपने मित्र को अपने आसन पर बिठा दिया और अपने आंसुओं से सुदामा के पैरों को धोया। सुदामा सोचने लगे वाह, इसे कहते हैं मित्र है? तुम कहां जानो, देखो हम मित्र, देखो हमारी कितनी सेवा कर रहे हो। भगवान कन्हैया अपने आंसुओं से पैर धो रहे हैं सुदामा भैया के और भगवान कन्हैया कहने लगे भैया तुम्हारी कैसी दशा खराब होगी, फिर भी तुम हमारे दरवाजे पे नहीं आ सकते थे क्या है? क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आई, कभी नहीं आई तुम्हारे पैरों की कैसी दशा हो गई है, जब मैं कितने कांटे चुभे हैं, तुम्हारे पास जूता चप्पल नहीं है तो कछु। लेकिन घबराओ नहीं भैया, घबराओ प्यारे जरा तुम
मामा न घबराओ प्यारे चल तुम सुदामा खुशी का समा तेरे गली आ गया भगवान कन्हैया ने अपने मित्र सुदामा के पैरों को धोया और कहने लगे भगवान कन्हैया मित्र मित्र तुम हमारे परम मित्र हते घर के आते बगिया में खेलो करते हते।